वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, रेलवे के द्वारा समय समय पर अप्रेंटिस जारी किया जाता है और यहाँ पर अभी जो वर्तमान समय में रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस जारी किया गया है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि साउथ ईस्टर्न रेलवे SER के द्वारा जो इसका हेड क्वार्टर होता है कोलकाता में, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिस आप चीफ पर्सनल ऑफिसर गार्डन रिच कैलकाटा, और इसका जो पिन कोड है 700043 दिया हुआ है। इसमें इसकी साइट दी हुई है और इस साइट में जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। इस विजिट में आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे के द्वारा जो साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा वैकेंसीज जो जारी की गई है, इस वैकेंसी को आप यहाँ पर विस्तृत रूप से इस पर विजिट कर सकते हैं। चलिए, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2023 एंड 2024। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ITI पास किया हुआ है और अलग अलग ट्रेड से ITI पास किया हुआ स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। इसमें जो डेट है, डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पर दी हुई है 29/11/2023। मतलब यहाँ पर जो है डेट, नोटिफिकेशन की डेट अनाउंसमेंट डेट है ये, और अनाउंसमेंट डेट 29/11/2023 दी हुई है। और इसके फॉर्म भरने की जो डेट है, मतलब इस ये एक्चुअल में ये स्टार्टिंग डेट हो गई, और स्टार्टिंग डेट से ही हम इसको काउंट करते हैं। अब लास्ट डेट आप रिसिप्ट आप एप्लीकेशन की बात करें तो 28/12/2023 इसकी लास्ट डेट है, और 28/12/2023 के पहले आप यदि एंगेजमेंट आपको करना, मतलब कि अप्रेंटिस का फॉर्म यदि भरना है, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिस की फॉर्म को आप कंप्लीट भर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, लास्ट डेट यहाँ पर 28/12/2023 लास्ट डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंडियन नेशनल्स फॉर एंगेजमेंट ट्रेनिंग एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल्स 1962 एज अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। द वर्कशॉप एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड अदर नो मोड ऑफ सबमिशन ऑफ द वुड बी सेम इंटेंट। तो आपको यहाँ पर साफ जो है, यदि आप इसे समझें, तो इसमें बोला गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिट करना है, जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार जो भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, एक साल का अनुबंध रहता है, एक साल तक आप अप्रेंटिस करते हैं रेलवे के डिपार्टमेंट से। उसके बाद आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ ऑनलाइन ही आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा, सबमिटेड होगा, अदरवाइज अदर मोड से आपका फॉर्म सबमिटेड नहीं होगा। इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आप स्वयं समझदार हैं, एज का भी रिस्ट्रिक्शन होता है, तो एज का जो रिस्ट्रिक्शन है वो एज का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर 1/1/2024 से, या तो 15 साल मिनिमम आपकी एज होना चाहिए, ठीक है, या तो आपकी जो एज है मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए 15 साल कंप्लीट। मतलब कि यहाँ पर साफ लिख दिया है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स। तो 15 साल मिनिमम एज हो गई, और मैक्सिमम यहाँ पर जो एज हो गई वो 24 साल हो गई, ठीक है। फिर एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट सेल बी, इसमें पर्पस ओनली फॉर द, जो है आपको इसमें 15 साल से 24 साल, सॉरी 15 साल से 24 साल तक की एज तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SC/ST वाले जो हैं, अपर एज लिमिट वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 साल की छूट दी जाएगी SC/ST कैंडिडेट को, और OBC कैंडिडेट को इसमें 3 साल की छूट दी जाएगी, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं उन्हें 10 साल की छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से जो इसके नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें छूट मिली जाएगी या दी जाएगी। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सभी को पता है कि इसमें
टेंथ के साथ में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें डियर फ्रेंड, तो इसमें मैट्रिकुलेशन मतलब टेंथ क्लास के साथ एग्जामिनेशन सिस्टम बोला गया फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड विद इन मिनिमम 50%, मतलब आपका टेंथ में 50% होना चाहिए। उसके बाद मार्क्स एग्रीगेट एक्यूरेट द एडिशनल सब्जेक्ट एंड आईटीआई पास सर्टिफिकेट इन द ट्रेड विच अप्रेंटशिप इज टू बी डन आप एनसीवीटी एंड एससीवीटी। तो आपका इसके बाद प्लस आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए, मतलब पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से आप इस फॉर्म को जो है इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देखेंगे। इसमें मेडिकल फिटनेस की बात करें तो मेडिकल फिटनेस में आपको जो है 1961 एक्ट के अनुसार आपके पास फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और ट्रेड से रिलेवेंट जो है आपको डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, उससे जाके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना होगा या बनाकर लाकर जमा करना होगा। उसके बाद है सेम सिचुएशन यहाँ पर देखें कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस ये नॉन रिफंडेबल होगा और 100 रुपये इसके शुल्क हैं। लेकिन यहाँ पर SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट, कोई भी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट हो, उन्हें पैसा नहीं लगेगा, मतलब नो फीस, कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें SC ST कैंडिडेट और PWD वुमेन कैंडिडेट को कोई फीस नहीं लगेगी, यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया गया है। अब आपको जो पेमेंट यदि करना है तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप 100 रुपये जब फॉर्म भरेंगे तो ट्रांजेक्शन चार्जेस जो लग रहे हैं वो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसका दिया भी हुआ है। सिलेक्शन विल बी द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट हो जाएगा। अब इसका जो सिलेक्शन का जो मोड होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, मतलब जिसके जितने परसेंटेज होंगे उस परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन का मोड दिया हुआ है। और इसमें सिलेक्टेड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ट्रेड, जो आपका ट्रेड है वो ट्रेड वाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट who apply against the notification respective trades। तो जिस ट्रेड से आप जुड़े हुए हैं, जिस ट्रेड के आप हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑप्टेंड मार्क्स एंड मैट्रिकुलेशन विद इन 50% एग्रीगेट मार्क्स और कैलकुलेशन परसेंटेज मैट्रिकुलेशन के आधार पर जो आपके ITI के मार्क्स हैं वो जोड़े जाएंगे, ठीक है। ऑप्टेंड द कैंडिडेट द सब्जेक्ट विल बी रगनन आर नॉट द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट आर ग्रुप सब्जेक्ट। जो आपका जो मेन सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फीटर हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डन हो गया, मतलब आपके जो ITI का जो मेन सब्जेक्ट है, ITI का मेन सब्जेक्ट का परसेंटेज और आपके टेंथ का परसेंटेज, ये दोनों यहाँ पर उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आपको एज का भी वैसे ही है, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा तो रिस्पेक्टिव ट्रेड के आधार पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला जाएगा। 1.5 times नोटिफाइड जो वैकेंसीज के बारे में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, कैंडिडेट फाइनल जो है उसके लिए आपको जब जो कैटेगरी वाला स्टूडेंट होगा, कैंडिडेट कैटेगरी वाला, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा आपको और उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करेंगे। चलो हाउ टू अप्लाई की बात करें तो हाउ टू अप्लाई में आप कैसे क्या करेंगे, चलो हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले तो आप साइट में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन, और ये इसकी साइट है। इस साइट में जाके आपको क्या करना होगा, विजिट करना होगा। तो ये इसकी जो विजिट करना होगा, इसके लिंक जो है ये दी हुई है, इसमें जाके आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे और ये इसका www.rrcser.co.in पर जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसमें फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी जो नोटिस उसमें डेटा है वो रिकॉर्डेड डेटा मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा हुआ है वो पूरा आप लिखेंगे। तो इस चीज़ को तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे। ऑनलाइन मोड में आपको इस साइट में जाना है और इस साइट में जाके क्या करना है, विजिट करना है। फिर ये रेलवे के कैरियर सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो रिकॉर्डेड है जिस टाइप से लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। SC ST OBC कैंडिडेट को छूट दी जाएगी, आप सभी को पता है। इसमें आपका वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से ताकि आप जब फॉर्म अप्लाई करें तो उसमें गलती ना हो और OTP के लिए आपका नंबर सही हो, ठीक है।
इसमें स्कैन फोटोग्राफ आप लगाएंगे जेपीजी फॉर्म में, फिर स्कैन सिग्नेचर लगाएंगे जेपीजी फॉर्म में, फिर उसके बाद आप लगाएंगे इसमें अदर एप्लीकेशन फॉर्म, फिल करेंगे पूरा पूरा। और इसके बाद हेल्प डेस्क के लिए आप यहाँ पर जाके इस साइड में जाके आप मैसेज भी कर सकते हैं। अदर एंड कैंडिडेट की बात करें तो अदर कैंडिडेट भी जिसके पास जिसने ट्रेनिंग रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के 1961 के अनुसार यहाँ पर 20% छूट दी जाती, जब भी वैकेंसी निकलती तो 20% वैकेंसीज नोटिफाइड टू बी फील्ड अप द, इसमें जो जिसका ग्रेड पे 1800 होता है, इसमें यदि आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं जब वैकेंसी आती तो उस वैकेंसी का 20% अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट के लिए रखा जाता है। और वो एनसीबीटी वाले सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको उसको वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो ये एनसीबीटी का सर्टिफिकेट उसकी वरीयता दी जाती है, आपके पास होना चाहिए। आप जब वैकेंसी आएगी तो 20% जो कैंडिडेट यहाँ से अप्रेंटिसशिप करता है उसको सबसे पहले 20% उस पोस्ट को फिल किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई है, आपको सिलेक्शन की जो है उसकी मेरिट लिस्ट इसके वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ये इसका सेंट्रल है यहाँ पर, गार्डन रिच कोलकाता, ये एड्रेस है, ठीक है। और सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस वेबसाइट पर ही प्राप्त होगी, आप साइट में जाएंगे साइट से ही सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल्स ट्रेनिंग स्लॉट अवेलेबल, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है खड़गपुर, और खड़गपुर वर्कशॉप में फीटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट है, पेंटर है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक है। तो टोटल यदि ऐसा है जो हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 360 पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ खड़गपुर वर्कशॉप के लिए। तो फीटर की ट्रेड 100 पोस्ट है, टर्नर की 122 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 80 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रीशियन की 80 पोस्ट है, उसके बाद वेल्डर की 70 पोस्ट है, मशीनिस्ट डीजल मैकेनिक की, डीजल मैकेनिक की इसमें 33 पोस्ट है, 27 पोस्ट मशीनिस्ट की है, 18 पोस्ट पेंटर की है, और एसी रेफ्रिजरेटर की 10 पोस्ट है। तो ऐसे टोटल जो पोस्ट हो गई यहाँ पर ये लगभग 360 पोस्ट हो गई है। वैसे सिग्नल टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की यदि पोस्ट की बात करें तो टोटल 47 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 36 पोस्ट है, पेंटर की 2 पोस्ट है, केबल ज्वाइंट ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटर की 2 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर निकल के आ गई 87 पोस्ट। वैसे यहाँ पर देखेंगे ट्रैक मेंटेनेंस वर्कशॉप की, तो ट्रैक मेंटेनेंस वर्कशॉप खड़गपुर के लिए फीटर ट्रेड 54 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 30 पोस्ट, मैकेनिक डीजल 25 पोस्ट, वेल्डर की है 11 पोस्ट, और टोटल यहाँ पर वैकेंसी आ जाती है 120, ठीक है। फिर है एसएसई खड़गपुर के लिए कारपेंटर की 14 पोस्ट, पेंटर की 14 पोस्ट, टोटल हो गई यहाँ पर 28 पोस्ट। वैसे ही खड़गपुर की देखेंगे कैरिज एंड वैगन के लिए तो फीटर की 70 पोस्ट है, वेल्डर की 40 पोस्ट है, फिर कारपेंटर, पेंटर और टर्नर की फिर 7 2 1 1 पोस्ट है। तो टोटल ऐसे 121 पोस्ट हो जाती है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो अप्रेंटिसशिप जिसे करना है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेलवे से अप्रेंटिस करने मिल रहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 20% रेलवे की वैकेंसी का वेटेज रहता है आईटीआई से जो आईटीआई अप्रेंटिस करते हैं वो ऐसे कैंडिडेट के लिए। तो फीटर की भी 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 15 पोस्ट है, वेल्डर की यहाँ पर देखेंगे तो 4 पोस्ट है, मैकेनिक की 23 पोस्ट है, पेंटर केबल ज्वाइंटर और कारपेंटर की टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 50 पोस्ट इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। फिर सीनियर डीजी खड़गपुर के लिए देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर लाइनमैन की टोटल यहाँ पर 90 पोस्ट है, ठीक है, टोटल यहाँ पर 90 पोस्ट है। फिर देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल खड़गपुर में इलेक्ट्रिशियन और फीटर की 20 20 40 पोस्ट है। फिर देखेंगे ईएमयू इलेक्ट्रिकल शेड, इसमें फीटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट सभी की 10 10 पोस्ट है। तो टोटल ऐसे देखेंगे तो 40 पोस्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको शेड, ठीक है,
और इलेक्ट्रिक लोअर सेट की इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर और मशीनिस्ट की 10, 10, 8, 8, तो टोटल यहाँ पोस्ट हो गई 36 पोस्ट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा टोटल पोस्ट कितनी है, जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ से आप फॉर्म भरें इन्फॉर्मेशन। फिर वे खड़गपुर सीनियर डी जी के लिए इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, रेफ्रिजरेटर, एसी लाइन में के टोटल 93 पोस्ट है इसमें। फिर उसके बाद वैसे ही देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रैक्शन की, इलेक्ट्रिशियन और फीटर वालों के लिए 10, 10, 20 और 10 इसमें 30 पोस्ट है। इसके बाद है कैरिज एंड वैगन के लिए, खड़गपुर के लिए, चक्रधारपुर के लिए फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, पेंटर, टर्नर और ट्रिमर के लिए टोटल 65 पोस्ट है। ऐसी इलेक्ट्रिक लोगो सेट के लिए फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट की टोटल 72 पोस्ट है। फिर ऐसी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और मैकेनिक की इसमें टोटल ये देखेंगे तो यहाँ पर 100 पोस्ट है। ठीक है, वैसे ही ट्रैक मशीन के लिए इलेक्ट्रीशियन और फीटर 7 पोस्ट है। ठीक है, एसएससी वर्कशॉप के लिए कारपेंटर, ट्रेनर की 26 पोस्ट है। इलेक्ट्रिक लोको शेड के लिए इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट 50 पोस्ट। ठीक है, फिर डीजल लोकेशन ये बुंदा बुंदा मुंदा लिखा हुआ है, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, ये टोटल 52 पोस्ट है इसमें। फिर है एडीरा, तो इसमें टोटल पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वोमेन, वेंडर और रेफ्रिजरेटर, लाइनमैन की टोटल 30 पोस्ट है। कैरिज वैगन की टोटल देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, टर्नर, कारपेंटर में 65 पोस्ट है। ऐसे डीजल सेट में टोटल 33 पोस्ट है यहाँ पर। फिर वैसे ही इलेक्ट्रीशियन, फीटर की देखें टोटल 30 पोस्ट है। फिर वैसे ही लोगों बी के एस के लिए फीटर, इलेक्ट्रीशियन के टोटल 31 पोस्ट है। फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, ठीक है, टोटल 25 पोस्ट है इलेक्ट्रिक लोगो शेड में। फिर एसएससी वर्कशॉप इंजीनियरिंग एडीए में इसमें देखें कारपेंटर में टोटल 24 पोस्ट है। फिर कैरिज एंड वैगन में देखेंगे रांची में तो फीटर और वेल्डर की 30 पोस्ट है। फिर वैसे ही देखेंगे तो रांची में देखें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, वेल्डर, रेफ्रिजरेटर, लाइनमैन की टोटल 30 पोस्ट है। वैसे ही रांची की देखेंगे तो रांची में कारपेंटर और पेंटर के लिए 10 पोस्ट है। तो ये जो है टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सारे इन्फॉर्मेशन के अनुसार वैकेंसीज बहुत है। ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्म का फॉर्मेट आप भर के, ठीक है, स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या क्या है, आई कितने बाई कितने है, ये सारा फॉर्म भर के आपको इसको जमा करना होगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ जो है, नेम ऑफ ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन, ये टोटल जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। ठीक है, इस मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको भर के जमा करना होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल गई। ठीक है, तो ये तो था साउथ ईस्ट रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिस चालू किया गया है। अभी सभी जो से अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है, सभी स्टूडेंट फॉर्म भर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।